पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में मुरादाबाद के साथ ही रामपुर और संभल सीट पर भी मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुरादाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने शहर में रोड शो के जरिए उनके लिए वोट मांगे। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने के आरोप लगाए और कहा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, जबकि पीएम के सवाल पर बोले कि वो कांग्रेस से ही होगा। सचिन पायलट ने रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। आज भाजपा इस तरह की भाषा प्रयोग कर रही है कि उनके मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग को बैल लगाना पड़ रहा है। इसी कारण ये पिछले 3 राज्यों में भी हारे थे, कहीं भी अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे। भाजपा के विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसको देशद्रोह बोला जाता है और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तमाम भारत सरकार की एजेंसीज तत्पर, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो। इसलिए आज जनता चुनाव करेगी, जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रत्येक सीट पे जहां चुनाव लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है। मैं दक्षिण भारत में होकर आया हूँ, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक, वहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुला और पूरा सुपड़ा साफ होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज मुरादाबाद में जो नौजवानों का हजूम हमने देखा, इमरान जी को जो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, पूरी पार्टी, चारों धर्म के लोग और छत्तीस कौम के लोग मिलकर आज इनको जितवाएंगे। मुरादाबाद क्षेत्र के लोगों से ये वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी और इस पीतल नगरी को भाजपा के राज में बद से बदतर होते लोगों ने देखा है।